साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप, हमारी थोड़ी सी अच्छी यादें जुड़ी हैं इस सेंटेंस से। पहले 2007 में हमारी मेंस टीम ने साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप जीता था, और अब बारी है हमारी विमेंस टीम की हिस्ट्री को रिपीट करने की। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप की। फेवरेट्स कौन है, फॉर्मेट्स किस तरह के हैं, इंडियन टीम कैसी दिख रही है, हमारे चांसेस क्या हैं, की प्लेयर्स कौन रहेंगे, प्रेडिक्शंस और बेसिकली सब कुछ। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं इस टूर्नामेंट की। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में खेला जाता है। सबसे पहला एडिशन हुआ था 2009 में इंग्लैंड में, जिसे इंग्लैंड टीम ने ही जीता था। उसके बाद 6 एडिशन हुए हैं आज तक, और उसमें से 5 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, और पिछले 2 तो काफी कंफर्टेबली जीते हैं। अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार विमेंस क्रिकेट हुआ, वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता। तो बेसिकली ओवरऑल इस टूर्नामेंट के लिए आपके फेवरेट कौन सी टीम है, और इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया क्यों है, हमें कमेंट में जरूर बताओ नीचे। नाउ टू बी फेयर, ऐसा नहीं है कि बाकी टीम्स भी कोई नंबर पूरे करने आए हैं बस। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम्स जेन्युइनली काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वेस्ट इंडीज की टीम भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रही है पिछले कुछ टाइम से। साउथ अफ्रीका सपोज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बट अभी सरप्राइजिंगली पहले मैच में वर्ल्ड कप के श्रीलंका से वो हार गए हैं। किसी ने इस चीज की ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं करी थी कि श्रीलंका साउथ अफ्रीका को पहले मैच में हरा देगी। बट इस सब में बात करते हैं इंडियन टीम की, क्योंकि जो द माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत चैलेंज कर रही है पिछले कुछ टाइम से, वो एक्चुअली इंडियन टीम ही है। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल तक हम लोग पहुंचे, T20 वर्ल्ड कप जो पिछला हुआ 2020 में, वहां भी फाइनल तक गई हमारी टीम। लास्ट ईयर हमने एशिया कप भी जीता, अभी रिसेंटली अंडर 19 टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके 2-1 प्लेयर्स भी हैं सीनियर टीम में वर्ल्ड कप के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी टीम का T20 साइड में, T20 परफॉर्मेंसेज में ग्राफ धीरे धीरे बढ़ ही रहा है पिछले कुछ टाइम से। पर इंडियन टीम के डिटेल में जाने से पहले बात करते हैं थोड़ी सी फॉर्मेट्स की। इस वर्ल्ड कप में 10 टीमें हैं, और 10 टीम्स को 5-5 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। दोनों ही ग्रुप्स में जो 5 टीम्स रहेंगी, उसमें हर टीम बाकी 4 टीम के साथ 1-1 मैच खेलेगी, और जो 2 टीम्स रहेंगी इस पूरे इन सारे मैचेस के बाद, जो 2 टीम टॉप रहेंगी दोनों ग्रुप में, वो जाएंगी सेमीफाइनल में, फिर उसके बाद ऑब्वियसली फाइनल, जो कि 26 फरवरी को है। जो 2 ग्रुप्स हैं उसमें ग्रुप 1 में है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, और ग्रुप 2 में है इंग्लैंड, इंडिया, आयरलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। अब बात करते हैं इंडियन टीम। इंडियन टीम ग्रुप 2 में है, और आइडियली बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए इस ग्रुप से आगे जाने में, ठीक है। किसी टीम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हम लोग, किसी टीम को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, स्पेशली T20 फॉर्मेट में कोई भी किसी भी कुछ भी कर सकता है। पर इस ग्रुप से इंडिया को, इस इंडियन टीम को निकलना अगले राउंड तक के लिए, सेमीफाइनल तक जाने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं होना चाहिए। पहला मैच है ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं होते आज की डेट में जब कोई भी ICC टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस होता है और पहला मैच इंडिया का पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है, तो किसी को भी मेरे ख्याल से सरप्राइज नहीं होता है। बट अगेन, बिग गेम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एज ऑलवेज। 12 फरवरी को है ये गेम, और आइडियली ये गेम जीतना चाहिए इंडिया को। इंडियन टीम ऑन पेपर एटलीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान टीम के साथ, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए इंडियन टीम को ये मैच जीतना इस ग्रुप में। इनफैक्ट सबसे बड़ा चैलेंज होगा इंग्लैंड, उसके अलावा अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी एल्स, बट इंग्लैंड के अलावा कोई बहुत बड़ा चैलेंज होना नहीं चाहिए, और सबसे बड़ा चैलेंज इंग्लैंड ही होगा। और अगर तो उनको हरा देते हम लोग, तो सेमीफाइनल में भी एक थोड़ा सा आसान वाला ड्रॉ मिल सकता है, क्योंकि इंडियन टीम अगर इंग्लैंड को हराती है तो मोस्ट लाइकली टॉप ऑफ द ग्रुप क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में पहुंचेगी। तो अगेन अगर सेकंड क्वालिफाई किया तो चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मैच होगा, क्योंकि वो वाला ग्रुप ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी मोस्ट लाइकली। तो आइडियली तो फाइनल तक जाए कम से कम, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में ही मिले तो बेटर है, फाइनल में हराएं तो और बेटर मजा आएगा ऑस्ट्रेलिया को। तो इंग्लैंड को हराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको हराना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, पर इंग्लैंड ही एक्चुअली एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। टीम फॉर्म की अगर बात करें तो पिछले कुछ टाइम से, एटलीस्ट लास्ट कपल ऑफ इयर्स में, अच्छा फॉर्म रहा है टीम का, धीरे धीरे करके ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ ही जा रही है। पर पिछले 1-2 महीने में थोड़ा सा डावाडोर होना शुरू हुआ है, एटलीस्ट फॉर्म के मामले में थोड़ा सा फॉर्म अप एंड डाउन हो रहा है, बैटिंग कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अप एंड डाउन होनी शुरू हुई है। कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल हमने हारा, उसके बाद इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज हमने हारी, फिर हम एशिया कप जीते पर अगेन घर पे अपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम हार गए 4-1 T20 सीरीज। फिर हम लोग जो ट्राई सीरीज हुई अभी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें फाइनल तक पहुंचे, अच्छा खेल के फाइनल तक पहुंचे, पर फाइनल में साउथ अफ्रीका से हार गए। इस सब में अगेन मेन इशू कंसिस्टेंसी का ही रहा है, इस सब में मेन इशू वही रहा है कि बैटिंग कई बार जितना एक्सपेक्टेशन रहता है उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। ऐसे में इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हुए कंसिस्टेंसी और प्रेशर हैंडलिंग, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, और
ऑब्वियसली टीम कॉम्बिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर पहले जो दो चीजों की बात की हमने, अगर टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहे, सारा बैटिंग यूनिट, बोलिंग यूनिट, एज अ टीम हम लोग कंसिस्टेंटली अच्छा खेलें, तो इस टीम के पास टैलेंट बहुत है इस टूर्नामेंट में बहुत दूर तक जाने का, जीतने का भी टैलेंट है इस टीम में। मेन इशू है कंसिस्टेंसी, और पिछले कुछ टाइम से जो हमने देखा है प्रेशर सिचुएशन में थोड़ा सा बकल डाउन कर जाती है टीम। ये दो चीजें अगर हमने सॉर्ट आउट कर ली ना तो मजा आएगा। टीम कॉम्बिनेशंस की तरफ ही देखें अगर, तो फास्ट बोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है, स्पेशली साउथ अफ्रीकन पिचेस पे। जूनन गोस्वामी के बाद सबने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा बोलिंग यूनिट, फास्ट बोलिंग यूनिट खासकर, उतना ज्यादा पोटेंट नहीं दिख पाएगा उनके एक्सपीरियंस के बिना, पर ऐसा नहीं हुआ है। हमारी जो यंग ब्रिगेड है, यंग फास्ट बोलर्स की ब्रिगेड है, उन्होंने अच्छा कोप अप किया है उनकी एब्सेंस में, और रेणुका सिंह हो गई, पूजा वस्त्रकर जो इंजरी से वापस आ रही है वो हो गई, शिखा पांडे एक एक्सपीरियंस हेड है इस टीम में, इन सब पे काफी ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी। और अगर ये लोग फॉर्म पकड़ लेते हैं तो एक अच्छा बोलिंग यूनिट ऑब्वियसली बड़े टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा काम आता है, साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में तो ऑब्वियसली एक अच्छा फास्ट बोलिंग यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अगर रिदम पकड़ ले अपनी, और अगेन फास्ट बोलर्स के अलावा दीप्ति शर्मा जो कि बहुत ही ज्यादा की प्लेयर रही हैं, ठीक है स्पिन बॉलर हैं, आप ये सोचोगे एक बार को कि यार साउथ अफ्रीकन कंडीशन में उनका इतना ज्यादा रोल शायद ना हो, बट अगेन T20 में आप स्पिन बॉलर के कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्काउंट नहीं कर सकते हो, और उनका जो कंट्रोल रहता है वो एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करने वाली है। यहीं पे बात कर लेते हैं जो हमारे 6 की प्लेयर्स रहेंगे, जिनके जिनसे ज्यादा सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं एक तरह से, और जिनके परफॉर्मेंसेस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस वर्ल्ड कप में। पहले स्मृति मांधना, हम इंडियन टीम में, इंडियन वुमेन्स टीम में बैटिंग की बात करें और स्मृति मांधना का नाम ना लें, इनके बियॉन्ड किसी का नाम ले लें सबसे पहले, तो बहुत ही एक मुश्किल सिचुएशन है फिर, क्योंकि ये प्लेयर बहुत टाइम से बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है हर फॉर्मेट में, बेसिकली आपकी बैटिंग लीडर है ये, और इस बैटर का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है पिछले एक साल से, तो काफी ज्यादा बढ़िया इन्होंने परफॉर्म किया है, कुछ 680 रन किए हैं इन्होंने पिछली 26 इनिंग्स में, और स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया है इनका 130 कुछ। इनके परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सीनियर बैटर है टीम में, सीनियर प्लेयर है, वाइस कैप्टन है टीम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडेड ऑन है, और एज एन ओपनर इनके परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि किस तरह के स्टार्ट और किस तरह का बेस मिलता है इंडियन बैटिंग। तो अगेन अगर स्मृति मांधना का टूर्नामेंट अच्छा रहता है तो इंडियन टीम बहुत दूर तक जाएगी। फिर आते हैं हमारी कैप्टन हरमनप्रीत कौर पर। मिडिल ऑर्डर में जो एक्सप्लोसिव बैटर की जरूरत होती है आपको लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, खासकर T20 क्रिकेट में, वो अक्रॉस द वर्ल्ड शायद ही इनसे बढ़िया कुछ बहुत ज्यादा लोग हैं। तो अगेन इन्होंने टीम को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया है पिछले काफी टाइम से, और बैटिंग में भी इनका फॉर्म काफी बढ़िया रहा है इन कंडीशंस में, खासकर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इस टाइप की कंडीशंस में इनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, कुछ 60 की एवरेज है इनकी, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इनसे भी, नॉट जस्ट एज ए कैप्टन बट एज द इम्पोर्टेंट रोल जो ये मिडिल ऑर्डर में प्ले करती है, वहां पे बहुत ज्यादा इनका एक क्रूशियल रोल रहने वाला है। फिर आते हैं दीप्ति शर्मा, ये स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जेन्युइनली इस टीम की एक्स फैक्टर हैं, ये बहुत बढ़िया कंट्रोल करती हैं मिडिल ओवर्स में, किसी भी स्टेज पे एक्चुअली बॉलिंग कर सकती हैं, पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में, इवन डेथ पे भी इन्होंने कई बार बॉलिंग करी अच्छी, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी बहुत बढ़िया करती हैं, इनका बैटिंग के साथ भी रिकॉर्ड बढ़िया रहा है लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो ओवरऑल एक जेन्युइनली इंपॉर्टेंट पैकेज है टीम के लिए, एंड बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से अपनी स्पिन के साथ पूरी गेम को चलाती हैं और किस तरह से लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते आके। तो अगेन दीप्ति शर्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इस टीम के फॉर्च्यून्स के लिए इस वर्ल्ड कप में। फिर आते हैं शिखा पांडे एक एक्सपीरियंस्ड हेड है इस टीम में, और पिछले कुछ टाइम में टीम में नहीं थी और रिसेंटली इन्होंने कमबैक मारा है टीम में, और जूनन गोस्वामी के बाद जो एक्सपीरियंस की कमी सब कहते थे कि यार एक्सपीरियंस के बिना शायद दिक्कत होगी टीम को, वो एक्सपीरियंस की कमी ये पूरी कर सकती है, नॉट जस्ट बिकॉज एक्सपीरियंस की कमी बट फास्ट बॉलर भी बहुत जेन्युइन है ये, रिसेंटली उन्होंने जो कमबैक भी किया है उसमें भी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं जो जो मैचेस के लिए है ये। इनसे आप उम्मीद कर सकते हो कि ये टीम को, जो हमारा यंग फास्ट बॉलिंग यूनिट है उसको अच्छे से गाइड भी करेंगी, और ऐसी बाउंसी पिचेस पे, ऐसी फास्ट पिचेस पे अच्छा हेल्प मिलेगा इन्हें, तो ऑब्वियसली टीम को पावर प्लेज में और डेथ ओवर्स में अच्छे परफॉर्मेंसेस निकाल के देंगी। फिर आता है नाम रेणुका सिंह, ICC वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पिछले साल रही थी ये, और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इन्होंने पिछले 6-8 महीने में टीम के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन कप में, इस प्लेयर ने जिस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, जिस मैच में परफॉर्म किया है, उस टूर्नामेंट और मैच में इंडियन टीम ने अच्छा किया है,
और अगेन इस फास्ट बॉलर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी टीम, क्योंकि लाइक आई सेड कंडीशंस फेवरेबल हैं फास्ट बॉलिंग के लिए, पर उसको उस कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना, उस कंडीशन को यूज करना, किस तरह से आप कर पाते हैं, किस तरह से आप उसे ढंग से अपने लिए एक ऑप्टिमम तरीके से फायदा ले सकते हैं उस चीज का, वो बहुत क्रूशल रहता है। एंड रेणुका सिंह अगेन पिछले 6-8 महीने में इन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है यंग प्लेयर है अभी, कुछ बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले, कुछ 30 और इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उन्होंने, पर प्लेयर बहुत बढ़िया है ये, और अगर तो इनका चल जाता है, इनकी रिदम बैठ जाती है, तो ये पावर प्ले में फोड़ सकते हैं किसी भी टीम को। फिर आते हैं शिफाली वर्मा, अंडर 19 टीम जो हमारी T20 वर्ल्ड कप की थी उसकी कैप्टन थी ये, पिछले काफी टाइम से इंडियन टीम के साथ खेल भी रही है, सीनियर टीम के साथ 16-17 साल की उम्र से खेल रही हैं। इनको देखो तो आप एक प्लेयर याद आते हैं आपको, वीरेंद्र सहवाग, और इनका भी वही रोल है टीम में, जाओ बॉलर की ऐसी तैसी कर दो पहली बॉल से, और इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाली टीम स्मृति मंदाना के साथ ओपनिंग करेंगी ये मोस्ट लाइकली। और ये दोनों प्लेयर्स जिस तरह का स्टार्ट देते हैं, स्पेशली शिफाली वर्मा, क्योंकि अगर ये पहले 2-3 ओवर में ही कुछ 20-30 रन तक पहुंचा देती है टीम को, तो सामने वाली टीम ऑलरेडी थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाती है, तो यहाँ पे शिफाली वर्मा का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओवरऑल एक ऑप्टिमिज्म है इस टीम के अराउंड, एक पॉजिटिविटी है इस टीम के अराउंड, और वेरी फेयरली सो, प्लेयर्स बहुत बढ़िया है, पीछे कुछ टाइम से काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है हमने, अगर कंसिस्टेंसी खेल जाए तो ये टीम को एक्चुअली रोकना मुश्किल है, एंड अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली इंडियन विमेंस टीम, उससे ज्यादा मोटिवेशन किसी भी प्लेयर को चाहिए नहीं होती है इनफैक्ट, बट अगर आप ये देखो कि इस टीम ने किस तरह के परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो कभी ना कभी तो लक एक आपके साथ होगी, इस टीम के साथ होगी, और अगर इस टूर्नामेंट में हो जाती है तो क्या ही कहना। और अगर वर्ल्ड कप के बाहर देखें तो एक और अपॉर्चुनिटी है, विमेंस आईपीएल, विमेंस प्रीमियर लीग, वो अनाउंस हो चुका है, पहला एडिशन उसका होगा इसी मार्च में, एंड हमने ये देखा था 2007 में जब इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था मेंस टीम ने, तब आईपीएल को उससे एक्चुअली बहुत तगड़ा फायदा हुआ था, और अगर 2023 में विमेंस टीम हमारी वर्ल्ड कप जीती है T20 वर्ल्ड कप, तो विमेंस प्रीमियर लीग को भी उससे डेफिनेटली फायदा होगा, एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, एंड ओवरऑल अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि एक कमर्शियल एंड से ही बहुत बड़ा हो जाएगा टूर्नामेंट, बहुत ज्यादा फायदा होगा इस टूर्नामेंट को कि कमर्शियल एंड पे, एक्चुअली विमेंस गेम के डेवलपमेंट के लिए, विमेंस गेम में आप ये देखेंगे कि नए नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज, नए प्लेयर्स को एक्चुअल इंटरनेशनल एक्सपोजर, एंड ओवरऑल इंडियन टीम को भी फायदा होगा इस चीज से, तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन वुमेन्स टीम को, करंट इंडियन वुमेन्स टीम को, एक बड़ा स्टेटमेंट देने की वर्ल्ड को कि इंडिया में एक्चुअली टैलेंट है वर्ल्ड डोमिनेशन का, और उसके बाद जो प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग को एक पुश मिलेगा इस पर्टिकुलर विन से, वो एक जेन्युइन बड़ी चीज हो सकती है इस टूर्नामेंट के लिए, प्रीमियर लीग के लिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग। ओवरऑल देखें तो एक अच्छा और एक नर्वस टाइम है हमारे अगले 2-3 हफ्ते में। इंडियन टीम की अगर बात करूं प्रेडिक्शंस की थोड़ी सी, तो ग्रुप से तो आगे निकलना चाहिए फॉर श्योर, और अगर तो फाइनल तक पहुंच जाते हैं तो एक जेन्युइन रियल चांस है, ऐसा नहीं है कि फाइनल तक पहुंच गए उसके बाद क्या, क्योंकि इस टीम में मोस्ट प्लेयर्स ने काफी बड़े मैचेस ऑलरेडी खेल लिए हैं, एक बैटल हार्डन्ड जिसको बोलते हैं, एक प्रेशर के अंदर आपने अपने आप को काफी बार टेस्ट कर लिया है, एंड एक चांस बन जाता है, आपने इतना टाइम से प्रेशर देख लिया है, इतने डिसअपॉइंटमेंट भी झेल लिए हैं, तो कभी ना कभी तो वो टर्न अराउंड होगा ही, और अगर आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो आपके पास एक बहुत बढ़िया चांस है उस चीज को टर्न अराउंड करने का, तो ग्रुप से तो आगे निकलना चाहिए, सेमीफाइनल में देखते हैं क्या होता है, फाइनल तक पहुंचे तो जीतने का बहुत बढ़िया चांस। इस हिसाब से कैसा रहने वाला है हमारी विमेंस टीम का परफॉर्मेंस इस ICC T20 विमेंस वर्ल्ड कप में, नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं, एंड लेट्स ऑल होप फॉर द बेस्ट, एंड कोशिश करते हैं अपनी तरफ से ज्यादा सपोर्ट कर सके इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम को, ताकि ये जो बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ी ट्रॉफी है, बड़ा वर्ल्ड कप है, वो हमारी टीम फाइनली घर लेके आ पाए, तो लेट्स ऑल होप फॉर द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज नीचे लाइक का बटन दबा दें, ताकि यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दे, और आप भी इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और जानकारी में सबके साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे अगर आपको पसंद आया पब्लिशली। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का, इस बढ़ती एक स्पोर्ट्स लविंग फैंडम का आप हिस्सा बन पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।